डियर स्टूडेंट्स, आपको न्यूक्लिक एसिड यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के इस चौथे वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने जा रहे हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ये जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए जो वर्ड है, हमने आपको जो पिछला वीडियो लेक्चर जो फिनिश किया था, उस वीडियो लेक्चर में याद होगा मैंने क्या बताया था कि जो डिप्लॉयड सेल है, उस डिप्लॉयड सेल में डीएनए की जो लेंथ है वो होती है 2.2 मीटर, जबकि न्यूक्लियस का डायमीटर होता है 10^-6 मीटर। अब आप समझ सकते हैं कि 10^-6 मीटर के जगह में 2.2 मीटर के लेंथ वाली डीएनए कैसे आएगी, तो वो डीएनए क्या होगा, पैकेज होना पड़ेगा उस डीएनए को। उस डीएनए को पैकेज होके, सिकुड़ के, कंडेंस होके, तब उसमें बना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो इसीलिए पैकेजिंग ऑफ डीएनए की जरूरत होती है। पैकेजिंग ऑफ डीएनए यानी कि डीएनए को पैकेज करके, तो बताइए पैकिंग, जब आप कोई चीज का पैकिंग तोड़ते हैं, जैसे मोबाइल आपको पैक होके किसी कंपनी से आया ऑनलाइन, देखते हैं उसमें मोबाइल रहता है, उसका कभी कभी कवर रहता है, उसका गार्ड होता है, मतलब ठीक है, उसको टूटने फूटने से बचाने के लिए स्क्रीन गार्ड होता है, सारा कुछ उसमें चार्जर वगैरह होता है, यानी पूरा एक किट होती है। तो कहता है कि यहाँ भी हम लोग पैकेजिंग ऑफ डीएनए पर रहे हैं, तो डीएनए के साथ और भी बहुत कुछ होगा, और ये डीएनए के साथ जितने भी सब्स्टिट्यूएंट होंगे अलग से जुड़े हुए, सब मिल के क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम। यानी आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रोमोसोम के बनने की कहानी, क्रोमोसोम के बनने की कहानी। हम लोग पैकेजिंग ऑफ डीएनए बोलने का मतलब आज के बाद समझेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम के बनने की कहानी। ठीक है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो अभी हम लोग देखते हैं, हमने आपको बताया था स्टार्टिंग, याद कीजिए, जब हमने बोला था क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर शुरू हो रहा है, तो मैंने बोला था क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ, ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर शुरू हो रहा था, तो मैंने बोला था कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर को हम लोग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स भी बोलते हैं। और ये जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स बोलते हैं या मॉडर्न जेनेटिक्स बोलते हैं, इसकी कहानी कहां शुरू होती है, मैंने बोला था क्रोमोसोम से शुरू। क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोले थे, क्रोमोसोम को हम लोग बोले थे न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ये दोनों न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन आज साथ साथ होगा, क्योंकि आप एक्चुअल में पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो ये न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन की जो कहानी है, न्यूक्लिक एसिड में हमने मेनली क्या बोला था, मेनली बोला था डीएनए, क्या बोला था मेनली डीएनए, और प्रोटीन में मेनली क्या बोला था, हिस्टोन प्रोटीन, क्या बोला था, हिस्टोन प्रोटीन। पहले मेरी बात को सुनिए आप अच्छे से, यहां पर एक ट्रिक याद रखिएगा, प्रोटीन पी फॉर प्रोटीन, चाहे वो हिस्टोन हो चाहे वो नॉन हिस्टोन हो, प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और न्यूक्लिक एसिड चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, उस पे होते हैं निगेटिव चार्ज, एन से निगेटिव, एन से न्यूक्लिक एसिड, पी से पॉजिटिव, पी से प्रोटीन। और पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के कारण जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, बहुत ही शिद्दत से मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, बड़ी जबरदस्त पाइलिंग होती है इनके बीच, बहुत जबरदस्त पाइलिंग होती है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, बहुत जबरदस्त पाइलिंग होती है। मैं आपको लास्ट में एक और ट्रिक बताऊंगा, याद रखिएगा, कहीं भूल ना जाओ, हिंदुस्तान में एक शो आता था पहले, सबसे पहले डांस का यही शो आता था, ठीक है, BID। ठीक है, चले मिथुन चक्रवर्ती दादा से बैठ करेंगे आज लास्ट में इस वीडियो लेक्चर क्लास में, पहले तो आप चलिए इस वीडियो लेक्चर में आगे चलते हैं। यानी क्रोमोसोम के बनने की कहानी में हम लोग डीएनए को तो साथ ले ही रहे, हम लोग हिस्टोन प्रोटीन को भी साथ ले रहे हैं, हम लोग नॉन हिस्टोन प्रोटीन को भी साथ लेंगे, और हम लोग थोड़ा मोड़ा आरएनए का भी सहारा लेंगे। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, आइए पहले हम लोग जानते हैं डीएनए, तो आप पढ़ चुके, डीएनए की पूरी कहानी आपके पास है, डीएनए आपने पूरे अच्छे से पढ़ा है, क्लियर। और अब हिस्टोन प्रोटीन के बारे में जानेंगे। हिस्टोन प्रोटीन इज ए बेसिक प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन इज ए बेसिक प्रोटीन,
अगर कोई बेसिक प्रोटीन है बाय नेचर, अच्छा हिस्टोन अगर बेसिक प्रोटीन है, इसका मतलब नॉन हिस्टोन क्या है? वो बेसिक नहीं है, नॉन बेसिक है, यानी कि वो एसिडिक इन नेचर होगा। प्रोटीन यानी एमिनो एसिड तीन तरह के होते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। आपको मैंने बताया बेसिक एमिनो एसिड कौन कौन होते हैं, आर्जिनिन और लाइसिन। यही आर्जिनिन और लाइसिन हिस्टोन प्रोटीन में पाए जाते हैं। आर्जिनिन लाइसिन के नंबर के आधार पे, आर्जिनिन लाइसिन के अरेंजमेंट के आधार पे हिस्टोन पांच तरह के होते हैं। हिस्टोन कितने तरह के होते हैं? पांच तरह। यानी हिस्टोन प्रोटीन पांच तरह का, H1, H2A, H2B, H3, H4, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन कितने तरह के होते हैं? पांच तरह। हिस्टोन प्रोटीन पांच तरह के होते हैं, यानी H1 हिस्टोन 1, H2A, H2 में दो ग्रुप, H2A, H2B, H3, H4, ठीक है। यानी ये पांच तरह के, ये पांच तरह के, H1, H2A, H2B, H3, H4, ये पांच तरह के होते हैं। फाइव टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, विच इज ए टाइप ऑफ बेसिक प्रोटीन, विच इज मेड अप ऑफ आर्जिनिन एंड लाइसिन, ठीक है। और यही डीएनए के साथ आज क्या होने जा रहा है? पैक्ड होने जा रहा है, डीएनए के साथ जुड़ने जा रहा है, परमानेंटली जुड़ने जा रहा है। और जुड़ने के बाद कुछ और बनाएगा, क्या बनाएगा? क्रोमोसोम बनाएगा। लेकिन क्रोमोसोम की यात्रा, क्रोमोसोम इसका लास्ट पॉइंट है, इसके जीवन का उद्देश्य है क्रोमोसोम बनाना। लेकिन क्रोमोसोम अगर मंजिल है तो सफर भी तो लंबा होगा उस क्रोमोसोम तक पहुंचने में। कहता है बिल्कुल, डीएनए और हिस्टोन जब मिलेगा तो पहला जो इसका सफर, पहला जो पड़ाव है वो है न्यूक्लियोसोम, दूसरा पड़ाव है सोलेनोइड, तीसरा है सुपर सोलेनोइड, चौथा है सब क्रोमेटिड, चौथा है क्रोमेटिड, पांचवा है क्रोमोसोम। ये तीन चार पड़ाव से होके तब पहुंचेगा कहां पे? क्रोमोसोम के पास। तो चलिए कहानी देखते हैं। कहते पहले, सबसे पहले क्या होता है कि इसमें H1 को आप छोड़ दीजिए, ठीक है, इसका लीजिए दो यूनिट, इसका लीजिए दो यूनिट, इसका लीजिए दो यूनिट, इसका लीजिए दो यूनिट, ठीक है, ये दो दो यूनिट हम लोग लेंगे। अच्छा, उसके पहले थोड़ा सा बेसिक आप जानते हैं, जगह भी खाली हो जाए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए, व्हाई, इसका जवाब मिल गया। ड्यू टू इनॉर्मस लेंथ ऑफ डीएनए 2.2 मीटर इन ह्यूमन डिप्लॉयड सेल, क्लियर हो गया, ये तो मैंने पहले बता दिया था। और इकोलाइट में कितना होता है? 1.36, ये प्रोकैरियोट में इकोलाइट टिपिकल एग्जांपल है, उसमें 1.36 मिलीमीटर ओनली और इसमें 2.2 मीटर। फिर भी इसके अकॉर्डिंग तो यहां तो चलो बात ही नहीं करते, यहां तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, डिफरेंट न्यूक्लियस ये ऑलरेडी पैक्ड ही होता है, ठीक है, पहले से, यहां की बात हम करेंगे नहीं। बट ये आपको समझ में आ गया कि 2.2 मीटर, ठीक है, लेंथ होती है ह्यूमन डिप्लॉयड सेल में डीएनए की, और उसको कितने दूर में ऑक्यूपाय होना है? 10^-6 डायमीटर के न्यूक्लियस में ऑक्यूपाय होना है। तो डेंस तो होना है, कंडेंस तो होना है, ठीक है, कॉइलिंग तो होनी है। देखिए इसलिए अब देखिए लिखा हुआ कॉइलिंग, ठीक है, ये होता है इसका लिंक। अब ये कहता है कि ये पैकेजिंग ऑफ डीएनए प्रोकैरियोट्स, डीएनए इज नॉट, देखिए प्रोकैरियोट क्या होता है, डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू, ठीक है, थ्रू आउट द सेल। कहता आपको पता है डीएनए वहां पे पूरा फैला हुआ नहीं होता, फैला हुआ नहीं होता वहां पे, जहां पे न्यूक्लियस होना चाहिए, जहां न्यूक्लियस होता नहीं है, प्रोकैरियोट सेल में न्यूक्लियस डिफरेंट होता नहीं है, लेकिन जहां न्यूक्लियस का पोजिशन होता है जनरली सेल में, वहां पे जो डीएनए पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड, या उसको बोलते हैं जीनोफोर, ठीक है, या उसको बोलते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस, या उसको बोलते हैं इंडिफिनिट न्यूक्लियस, या उसको बोलते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस। और उसके अलावा अगर कहीं डीएनए पाया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्लास्मिड। क्या बोलते हैं? प्लास्मिड, क्लियर है पॉइंट? उसको क्या बोलते हैं? प्लास्मिड, ठीक है, कोई दिक्कत? उसको क्या बोलते हैं? प्लास्मिड, ठीक। अब आइए तो कहता है कि इन प्रोकैरियोट्स डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल ऑल्दो दे डू नॉट हैव ए डिफरेंट न्यूक्लियस, जबकि वहां पे कोई डिफरेंट न्यूक्लियस नहीं होता, फिर भी डीएनए इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म इन सुपर कॉइल्ड स्टेट्स। डीएनए फाउंड इन साइटोप्लाज्म इन सुपर कॉइल्ड स्टेट्स, द
कॉइल इज, ठीक है, कहता है कि कॉइल इज मेंटेन बाय नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन. नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन यानी तो हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है बट दूसरे बेसिक प्रोटीन होते हैं, ठीक है, यानी हिस्टोन प्रोटीन वहां पे नहीं होता. नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन यानी बेसिक प्रोटीन हिस्टोन इज बेसिक प्रोटीन बट दूसरे भी है, प्रोलामिन्स है, प्रोटामिन्स है, ठीक है, और भी बहुत सारे. कहते हैं वो सब बेसिक प्रोटीन इसके साथ जुड़े रहेंगे यानी नॉन हिस्टोन, हिस्टोन को छोड़ के दूसरे बेसिक प्रोटीन इसके सुपर कॉइल स्ट्रक्चर साथ जुड़े होंगे, ठीक है, जैसे उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीअमाइन्स. क्या बोलते हैं? पॉलीअमाइन्स. यानी नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीअमाइन्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज. हमने बताया था हिस्टोन प्रोटीन हो या नॉन हिस्टोन प्रोटीन हो, पॉजिटिव चार्ज हो. पैकेज्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड और जीनोफोर. क्लियर है पॉइंट? ठीक है, ये पहले आपको बता चुके हैं. चलिए मैं करता हूं फिनिश. अब ध्यान दीजिए, अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं. हमने आपको क्या बोला, हिस्टोन कितने तरह का? पांच तरह का. इसमें आप ले लीजिए H2A, ले लीजिए H2A, H2B, H3, H4, ठीक है, H2A, H2B, H3, H4 ले लिया हमने. H2A, H2B, H3, H4 ले लिया हमने. अब कह रहा है कि ये H2A, H2B इसका दो दो यूनिट आप ले लीजिए. टू यूनिट्स ले लिए, ठीक है, इसका दो दो यूनिट हमने ले लिया, ले लिया ना, तो कितने यूनिट हो गए? एक यूनिट हो गया. इसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर, ऑक्टामर, स्टोन ऑक्टामर. ये इसको बोलते हैं न्यू बॉडी, न्यू बॉडी, ठीक है. हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टा, ऑक्टा मतलब आठ, मर का मतलब यूनिट. ये आठ यूनिट कौन कौन है भाई? दो H2A, दो H2B, दो H3, दो H4, ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर हो गया. ये हिस्टोन ऑक्टामर, मान लीजिए मैंने ये हिस्टोन ऑक्टामर लिया, ठीक है, इसके ऊपर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रैप होता है, इसके ऊपर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रैप, और यहां होता है H1, यहां भी होता है H1, ठीक है. फिर यहां से फिर दूसरा शुरू हो जाता है, ठीक है, तो कहता है यहां पे फिर शुरू हो जाएगा दूसरा, फिर यहां पे क्या आएगा, H1 होता है, फिर रैप होगा ऐसे करके, फिर H1 होगा ऐसे करके जाएगा. तो मेन हम यहां पे आपको ये दिखा रहे हैं कि ये हमारा हिस्टोन ऑक्टामर, और हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर रैप है. कौन है रैप? डीएनए डबल स्ट्रैंडेड. जो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड का पार्ट हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर रैप्ड है, ठीक है, उससे लपेटे हुए हैं, उसको बोलते हैं कोर डीएनए, कोर डीएनए, ठीक है, क्या बोलते हैं? कोर डीएनए. कोर डीएनए के पहले या कोर डीएनए के बाद जो उसके उसको दूसरे, ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर से जोड़ने में मदद करेगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लिंकर डीएनए. क्या बोलते हैं? लिंकर डीएनए. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिंकर डीएनए. ध्यान दीजिए, ठीक है. अच्छा, ये क्या है कोर डीएनए, ये क्या है हिस्टोन ऑक्टामर? एक चीज यहां पर, ये हमारा क्या है? H1, ठीक है. देखिए मैंने यहीं से शुरुआत की, आप घबराइएगा नहीं. पैकेजिंग ऑफ डीएनए में हम क्रोमोसोम के फॉर्मेशन की कहानी बताने जा रहे हैं. इस पैकेजिंग ऑफ डीएनए में, फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम की कहानी में हम क्या बता रहे हैं, स्टार्ट क्या किए. क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन. न्यूक्लिक एसिड में मेनली क्या? डीएनए, हालांकि कुछ आरएनए भी होगा, हम देखेंगे. प्रोटीन में क्या? मेनली बेसिक प्रोटीन, ठीक है, 50% के आसपास, ठीक है, उसमें भी हिस्टोन. बेसिक प्रोटीन मतलब हिस्टोन, ये भी बता दिए. हिस्टोन प्रोटीन, प्रोटीन कोई भी हो पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लिक एसिड कोई भी हो निगेटिव चार्ज,
इसलिए पैकेजिंग भी क्या करेगा, खूब अच्छे से करेगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है आपको? नहीं ना। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। कहता है कि तो हिस्टोन के बारे में हम चलते हैं। हिस्टोन पांच तरह के, H1, H2A, H2B, H3, H4। H1, H2A का दो यूनिट लिए, H2B का दो यूनिट लिए, H3 का दो यूनिट लिए, H4 का दो यूनिट लिए। हमने किसको छोड़ा? H1 को छोड़ा, उसको भी सम्मान देंगे। तो बताइए, दो दो यूनिट लिए तो क्या हो गया? हिस्टोन ऑक्टामर हो गया। हिस्टोन ऑक्टामर में 8 यूनिट, यदि इसके नाम है ऑक्टामर, इसको न्यू बॉडी में बोलते हैं, यही तक बताए। अब कहता है इस हिस्टोन ऑक्टामर को यहाँ पे ले लिए, इसके ऊपर रैप किया हुआ क्या है? डीएनए का, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का रैप किया हुआ स्ट्रक्चर, जो रैपिंग इसको डायरेक्ट टच करता है हिस्टोन ऑक्टामर को, उसको बोलते हैं कोर डीएनए। ये हिस्टोन ऑक्टामर, और जो इसके आगे या जो इसके पीछे, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लिंकर डीएनए। और ये क्या है? H1। ध्यान दीजिए, H1 प्लस लिंकर डीएनए प्लस ये आपका क्या है? हिस्टोन ऑक्टामर कोर डीएनए को मिला के क्या बोलते हैं मालूम? कोर पार्टिकल। कोर इस तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। इस तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। अब आपको समझ में आई? यानी न्यूक्लियोसोम इज द यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। न्यूक्लियोसोम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियोसोम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। और न्यूक्लियोसोम इज मेड अप ऑफ कोर पार्टिकल प्लस लिंकर डीएनए प्लस H1, एंड कोर पार्टिकल इज मेड अप ऑफ हिस्टोन ऑक्टामर एंड कोर डीएनए। ये कोर डीएनए जो रैपिंग डीएनए है, उतना दूर का पार्ट ये डीएनए और ये हिस्टोन ऑक्टामर, ये दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? इस दोनों को हम लोग मिला के बोलते हैं, ठीक है, इस दोनों को हम लोग मिला के बोलते हैं कोर पार्टिकल। यानी ये कोर पार्टिकल प्लस लिंकर डीएनए प्लस H1, कोर पार्टिकल प्लस लिंकर डीएनए प्लस H1, ये तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम, ठीक है। अब सुनिए आप, ये है हमारा न्यूक्लियोसोम। तो बताइए यहां पे जो डीएनए होता है उसमें कितने बेस पेयर होते हैं? कहता है 200 बेस पेयर। यानी कोई आपको पूछेगा कि कोर डीएनए, ठीक है, यानी कोर डीएनए इज मेड अप ऑफ 200 बेस पेयर, और लिंकर डीएनए कहां गया? ये लिंकर डीएनए, ये मेड अप ऑफ 80 बेस पेयर, ठीक है, 80 बेस पेयर। क्लियर है? मैंने क्या बोला है? हिस्टोन ऑक्टामर प्लस कोर डीएनए, दोनों मिला के क्या बोलते हैं? दोनों मिला के, ये दोनों मिला के क्या बोलते हैं? कोर पार्टिकल। कोर पार्टिकल, बताइए क्या हो गया? कोर पार्टिकल लिंकर डीएनए H1, तीनों मिला के क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम। अच्छा बताइए, मैंने आपको बताया था अभी जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में, एक नॉर्मल डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल का डायमीटर, डीएनए का डायमीटर कितना होता है? 2 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर, ठीक है। बट वो जो हिस्टोन ऑक्टामर के साथ क्वाइल कर लेता है, ठीक है, लिंकर डीएनए के साथ जुड़ जाता है, H1 के साथ जुड़ जाता है, तो क्या बनाता है? न्यूक्लियोसोम, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग क्या बोले हैं? न्यूक्लियोसोम। इसकी जो लेंथ हो जाती है वो हो जाती है 10 नैनोमीटर, हो जाता है 10 नैनोमीटर। इसकी लेंथ कितनी हो जाती है? 10 नैनोमीटर। यानी कि 2 नैनोमीटर था, ठीक है, वो क्वाइल करके कितना हो गया? 10 नैनोमीटर। और वो डीएनए किसके साथ क्वाइल हुआ है? किसके साथ क्वाइल हुआ है? हिस्टोन ऑक्टामर। जानते हैं उसकी क्वाइलिंग का भी संख्या फिक्स है, ये नहीं कि जितनी मर्जी क्वाइल कर, हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर, ये हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर इसकी जो क्वाइलिंग है, ये क्वाइलिंग टर्न जो होती है वो होती है 1.74, यानी 1/3/4, ठीक है, यानी 2.25, जिसको बोलते हैं 2.25, 1.75 टाइम्स, ठीक है, 1.75 टाइम्स क्वाइलिंग होगी इसके ऊपर, ठीक है। और बुक में देखिए, इसे ये है, इसके ऊपर क्वाइलिंग है, ठीक है, एक कंप्लीट हो गया,
फिर एक ऐसे ऐसे होती क्वाइलिन। ठीक है, तो ये हिस्टोनोक्टामर, इसके ऊपर ऐसे एक क्वाइलिन, ऐसे फिर आगे बढ़ गया लिंकर डीएनए, पीछे भी लिंकर डीएनए, इसका भी एंड एच वन, इसका भी एंड एच वन, पूरा का पूरा क्या न्यूक्लियोसोम। क्लियर है? अब कहता है ये न्यूक्लियोसोम यानी कि न्यूक्लियोसोम, ठीक है, न्यूक्लियोसोम क्वाइलिंग करके कितने डायमीटर में आ गया 10। इसमें जब क्वाइलिंग होगी, ठीक है, इसमें जब क्वाइलिंग होगी तो बनेगा सोलिनोइड। सोली इसको बोलते हैं क्रोमेटीन, क्रोमेटीन, ठीक है, क्रोमेटीन, जस्ट लाइक बीड ऑन चेन ऑफ, ठीक है, डीएनए, जस्ट लाइक बीड ऑन ऑन ए कॉर्ड, जस्ट लाइक बीड ऑन ए कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, यानी न्यूक्लियोप्रोटीन का जो एक लंबा चेन होता है उस पर ये बीड की तरह दिखाई पड़ता है। किसकी तरह दिखाई पड़ता है? बीड, गांठ की तरह, जैसे एक रस्सी है उसमें गांठ होती है, तो गांठ बीड, उसको बीड बोलते हैं, बीड की तरह ये दिखाई पड़ता है क्या, क्रोमेटिन, यानी सोलिनोइड या क्रोमेटिन। उसके बाद बोलते हैं सुपर सोलिनोइड, क्या बोलते हैं, सुपर सोलिनोइड, और सुपर सोलिनोइड के बाद, ठीक है, बोलते हैं सब क्रोमेटिन, सब क्रोमेटिन, ठीक है, सब क्रोमेटिन के बाद बोलते हैं क्रोमेटिन, क्रोमेटिन के बाद बोलते हैं क्रोमोसोम, क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है। तो आप बताइए डीएनए का कितना था, 2 नैनोमीटर, डीएनए का डायमीटर 2 नैनोमीटर, क्वाइल करके न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में 10 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर के बाद क्या है, सोलिनोइड या क्रोमेटिन, इसका होता है 30 नैनोमीटर, ये लीजिए यहां पे हमने लिख रखा है 30 नैनोमीटर, 30 नैनोमीटर, सुपर सोलिनोइड ये होता है 300 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर, और 300 नैनोमीटर हुआ, ये सब क्रोमेटिन इसी का पार्ट होता है, उस पर मत जाइए, इस पे आ जाइए, ठीक है, ये क्रोमेटिन 700 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर, और ये 1400 नैनोमीटर, 1400 नैनोमीटर, बोलिए क्लियर है? तो बताइए न्यूक्लियोसोम से क्या बना, न्यूक्लियोसोम के क्वाइलिंग के बाद सोलिनोइड या क्रोमेटिन, उसके क्वाइलिंग के बाद सुपर सोलिनोइड, उस पे क्वाइलिंग के बाद कहता है सब क्रोमेटिन, जो आपको बुक में नहीं दिया रहा है उसमें डायरेक्ट क्रोमेटिन लिख दिया, और दो क्रोमेटिन के मिलने से क्या बनता है, क्रोमोसोम, ठीक है। तो आइए, ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा, 2 नैनोमीटर का डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ पैकेज होने के बाद 10 नैनोमीटर का न्यूक्लियोसोम, उसके बाद 30 नैनोमीटर का सोलिनोइड या क्रोमेटिन, 300 नैनोमीटर का सुपर सोलिनोइड, 700 नैनोमीटर का, ठीक है, क्रोमेटिन, और 1400 नैनोमीटर का क्रोमोसोम, क्योंकि एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिन होते हैं, 2 क्रोमेटिन। तो बताइए टोटल आप बात समझ गए, ठीक है, मैं मिटा दूं, अगर आपको दिक्कत होगा तो फिर से वीडियो को एक बार देखिए, आपको सब कुछ समझ आएगा, मैंने सब कुछ बताया, एक भी पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं, ठीक है। चलो यानी कि हमने क्या देखा, हमने क्या देखा, डीएनए 2 नैनोमीटर प्लस स्टोन ऑक्टामर प्लस कोर डीएनए, ठीक है, देखा आपने कोर डीएनए, ये तो ये लीजिए डीएनए इन द फॉर्म ऑफ कोर डीएनए, ठीक है, प्लस लिंकर डीएनए और प्लस एच वन, ये हमारा क्या था, ये
ये हमारा था न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम ये हमारा था 2 नैनोमीटर, यानी कि ये 2 नैनोमीटर, ये कितना ठीक है 10 नैनोमीटर। सोलिनोइड और क्रोमेटिन ये कितना 30 नैनोमीटर। सुपर सोलिनोइड, सुपर सोलिनोइड ये कितना 300 नैनोमीटर। उसके बाद सुपर सोलिनोइड के बाद कहते हैं सुपर सोलिनोइड के बाद क्रोमेटिन, क्रोमेटिन 700 नैनोमीटर। उसके बाद ठीक है क्रोमोसोम, ठीक है 1400 नैनोमीटर। तो बताइए ये सबको मिला के क्रोमोसोम तक पहुंचना, दिस इज कॉल्ड पैकेजिंग ऑफ डीएनए। इसी को क्या बोलते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए, पैकेजिंग ऑफ। और ये सारा क्वालिफेस्टेस किसमें होता है मेटाफेज में होता है। कहा होता है मेटाफेज, मेटाफेज में ये पूरा का पूरा होता है क्वाइलिंग प्रोसेस। ठीक है बोलिए क्लियर, ये पूरा का पूरा यहां तक क्लियर है। अब कर लेंगे इस क्वाइलिंग प्रोसेस में आपने मेन सब्स्टिट्यूएंट क्या देखा है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, बट यहां पे फर्दर हायर स्टेज में, ये हायर स्टेज का मतलब जब सोलिनोइड से ऊपर बढ़ते हैं सुपर सोलिनोइड क्रोमेटिन और क्रोमोसोम, इस स्टेज में जब आते हैं तो हमें एक और प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, यानी कि एनएचसी नॉन हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है एनएचसी बोल देते, ये एनएचसी की हमें जरूरत पड़ती है हायर स्टेज, यानी कि ये जो स्टेज है ठीक है इसमें हमें इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है ऐसे में आपको बता क्रोमोसोम में 50% होता है हिस्टोन प्रोटीन, एक नॉर्मल क्रोमोसोम में 50% हिस्टोन प्रोटीन, 40% डीएनए, 40% 8.5% ठीक है नॉन हिस्टोन प्रोटीन, कौन सा नॉन हिस्टोन प्रोटीन, देखिए डीएनए 40% हिस्टोन प्रोटीन 50% नॉन हिस्टोन प्रोटीन 85% आरएनए 1.2% और कहता है 3% में डीएनए की एक स्पेशल कमाई होती है, डीएनए की एक ठीक है मतलब यूनिक कमाई होती है। तो कहता है यूनिक कमाई क्या है लिपिड, थोड़ा सा लिपिड होता है उसमें और कमाई, कमाई से याद रखिएगा कैल्शियम मैग्नीशियम और आयरन, कमाई कैल्शियम मैग्नीशियम और आयरन, आयरन मतलब Fe++ तो Ca++ Mg++ और प्लस आयरन। ठीक है समझ गए ये Fe++ ठीक है ये ट्रेस में ये ट्रेस मात्र 0.3% की ये दोनों लिपिड और ये और आरएनए 1.2% नॉन हिस्टोन 8.5% हिस्टोन प्रोटीन कितना 50% और डीएनए 40%। ठीक है ये क्रोमोसोम का पूरा स्ट्रक्चर है इसको याद रखिए। ठीक है क्रोमोसोम टर्म दिया था वाल्डियर ने आपको बताया था। ठीक है चलिए अब देखिए कहते ये एनएससी प्रोटीन, ये एनएससी प्रोटीन तीन तरह का होता है, एनएससी प्रोटीन कितने तरह का होता है तीन तरह का, एसके फोल्ड और स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एसके फोल्ड साइंटिस्ट का नाम एसके फोल्ड, एसके फोल्ड और स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ठीक है यानी कि एनएससी का पहला टाइप स्ट्रक्चरल एनएससी, दूसरा फंक्शनल एनएससी और तीसरा रेगुलेटरी एनएससी। फंक्शनल एनएससी में क्या होता है, फंक्शनल एनएससी कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है
वहां पे अगर आपको नहीं दिखाई पा रहा है तो मैं बता दूं, ये जो एनएससी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है ये तीन तरह का होता है, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, रेगुलेटरी। स्ट्रक्चरल एनएससी, फंक्शनल एनएससी और रेगुलेटरी एनएससी। तो स्ट्रक्चरल एनएससी, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को बनाया, यानी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर बनाने में मदद किया। दूसरा कहता है फंक्शनल एनएससी, आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज के रूप में काम किया, जो कि डीएनए और आरएनए को बनाया। और कहता है रेगुलेटरी एनएससी, रेगुलेटरी एनएससी प्रोटीन इज ऑल्सो कॉल्ड एचएमजी, एचएमजी, ठीक है, हाई मोबिलिटी, ठीक है, प्रोटीन, हाई मोबिलिटी, ठीक है, ग्रोथ प्रोटीन, हाई मोबिलिटी ग्रोथ प्रोटीन, ठीक है, कहता है हाई मोबिलिटी ग्रोथ प्रोटीन। तो आपको पूछेगा हाई मोबिलिटी ग्रोथ प्रोटीन कैसा है, क्या बोलिएगा, रेगुलेटरी प्रोटीन, ठीक है। तो ये जानिए ये क्या करता है, ये जीन एक्सप्रेशन में मदद करता है। जीन एक्सप्रेशन का मतलब देखिए, तीन दो तरह की चीज होता है, एक होता है जीन रेगुलेशन, एक होता है जीन एक्सप्रेशन। यानी कि जीन एक्सप्रेशन में आता है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, उसमें मदद करता है, ठीक है, यानी खास करके ट्रांसलेशन। मतलब रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन मदद करता है कौन, डीएनए आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, और वहां पे मदद करता है लास्ट वाले पॉइंट पे कौन, ठीक है, एचएमजी, ठीक है, क्लियर हो गया। तो कहता है ये तीन तरह के, ठीक है। अब भाई लास्ट कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि क्रोमोसोम है, ठीक है, अब यहां पे देखिए हमने क्या बोला था, ये सेंट्रोमियर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ये कौन सा प्रोटीन है, काइनेटोकोर प्रोटीन, काइनेटोकोर प्रोटीन, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन काइनेटोकोर प्रोटीन मिला के क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं ना। कहते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ के इलाके को लोग बोलते हैं क्रोमोसेंट, क्रोमोसेंट, और इस इलाके को थोड़ा दूर वाले इलाके को बोलते हैं डार्क सेंटर। यानी क्रोमोसोम में दो सेंटर होते हैं, डार्क सेंटर, ठीक है, और लाइट सेंटर, लाइट सेंटर, ठीक है, क्लियर, डार्क सेंटर और लाइट सेंटर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हेटरोक्रोमेटिक बॉडी, हेटरोक्रोमेटिक बॉडी, ठीक है, हेटरोक्रोमेटिक बॉडी। किसको, डार्क सेंटर, लाइट सेंटर को हम लोग फोटो सेंटर भी बोलते हैं, फोटो सेंटर, ठीक है, क्लियर। ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है, और क्लियर हो गया। देखिए डार्क सेंटर, लाइट सेंटर, ठीक है, ये फोटो सेंटर, ये हेटरोक्रोमेटिक बॉडी। देखिए यहां पे एक याद रखिएगा, हिंदुस्तान में सबसे पहले एक डांस में एक शो आया था डीआईडी, हिंदुस्तान के अंदर डीआईडी आया था, लीजिए एच डीआईडी, हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला शो डांस करके आया था डीआईडी, ठीक है। तो हिंदुस्तान हेट्रोक्रोमेटिक, हेट्रोक्रोमेटिक बॉडी,
ठीक है, डी से डार्कली स्टैंड, डार्कली स्टैंड, ठीक है, आई से इनएक्टिव, इनएक्टिव ट्रांसक्रिप्शनली, ट्रांसक्रिप्शनली ये क्या है, इनएक्टिव, और डी से डेंसली पैक्ड, डेंसली पैक्ड, यानी ये डेंसली पैक्ड बॉडी होता है कौन, डार्क बॉडी, ठीक है, जिसको हम लोग हेटरोक्रोमेटिक बॉडी को, हेटरोक्रोमेटिक बॉडी आर डार्कली स्टेन, डेंसली पैक्ड एंड ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। इसका ठीक उल्टा इधर क्या होगा बताइए, ये क्या होगा, लाइटली स्टेन, स्टेन, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ये क्या होगा, लूजली पैक्ड, लूजली पैक्ड, ये आपको क्लियर हो गया, क्या हो जाएगा, लूजली पैक्ड, बताइए, ये पूरा का पूरा आपको दिमाग में आ गया, ठीक है, ये है पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ये क्या है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, यानी फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, क्रोमोसोम फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट न्यूक्लियोसोम, ठीक है, ये पूरा का पूरा दिमाग में आ गया, तो ये याद रखिएगा, हिंदुस्तान में डीआईडी, एच डीआईडी, उधर आप अपोजिट कर दीजिए, पूरा का पूरा क्लियर है, तो चलिए अब ये पूरा का पूरा आपको दिमाग में, ठीक है, ये पूरा पूरा दिमाग में आ गया, अब क्या है, ठीक है, ये वीडियो के बाद अब जो हम लोग वीडियो देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है, कहता है कि ये हो गया पैकेजिंग ऑफ डीएनए, यानी कि इसमें आपने अभी पढ़ लिया कि 2 नैनोमीटर का डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर रैप्ट करते हुए लिंकर डीएनए से जुड़ते हुए H1 से जुड़ते हुए कैसे न्यूक्लियोसोम बनाता है, फिर न्यूक्लियोसोम 10 नैनोमीटर का हो जाता है, मतलब कंडेंस करके कॉइलिंग करके 10 नैनोमीटर का न्यूक्लियोसोम 30 नैनोमीटर के सोलेनोइड या क्रोमेटिन बॉडी को बनाता है, 30 नैनोमीटर का क्रोमेटिन बॉडी या सोलेनोइड बॉडी 300 नैनोमीटर के सुपर सोलेनोइड बॉडी को बनाता है, और वो 700 नैनोमीटर के क्रोमेटिन बॉडी को बनाता है, और वो, ठीक है, 1402 क्रोमेटिन आपस में मिलके 1400 नैनोमीटर के क्रोमोसोम को बनाता है, क्लियर है पॉइंट, और आपने ये सब पहले से पढ़ लिया, क्रोमोसोम के ऊपर में एक फिक्स पोजीशन पे लोकस में क्या पाया जाता है, जीन, और ये भी पहले पढ़ चुके हैं, जीन्स आर लीनियरली अरेंज्ड ऑन क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम का पूरा स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ना है, इसके लिए भी मैं आपको एक स्पेशल में, मतलब कल मैंने 2 वीडियो भेजा था, एक प्लस टू का, एक प्लस वन का, आज भी मैं प्लस टू के साथ एक प्लस वन का वीडियो भेजूंगा, वो न्यूक्लियस का वीडियो, तो क्रोमोसोम के बारे में उसमें डिटेल स्ट्रक्चर है, प्लीज इसके साथ क्रोमोसोम का वो वीडियो भी आप देखिए, मैं दोनों को भेजूंगा, क्लियर है पॉइंट, ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए यहां तक मैं आपका आज ये 40-42 मिनट के आपके लेक्चर वीडियो में पूरा डीएनए पैकेजिंग खत्म हुआ, अगले दिन मैं शुरुआत करूंगा इसका, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, इसके 2-3 एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ करेंगे, गुड, थैंक यू।